प्रभु के एक एक पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे और मेरा पूर्ण विश्वास है इसके द्वारा आपको और आपके परिवार को प्रभु की कृपाएं भी प्राप्त होंगी। पिछले महीने में हमें प्रभु के पवित्र देश देखने का मौका मिला, इज़राइल, पलस्तीन, यर्दन और मिस्र। हम सभी इस कार्यक्रम के लिए, इस तीर्थ यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर चुके थे और प्रार्थनामय ढंग से, प्रार्थना के साथ हम इस तीर्थ यात्रा को पूरा किए। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम प्रभु के उन सभी जगहों पर गए जैसे नाजरत, जहां वे पले बढ़े, माँ मरियम का भवन, यूसुफ का भवन, कफरनाऊ जहां पर प्रभु सुसमाचार प्रचार के समय रहे, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, वो स्थान जहां पर प्रभु ने पर्वत प्रवचन सुनाया था, गलीलिया का झील जिसमें प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए थे, कफरनाऊ का वह सभागृह जहां पर प्रभु वचन सुनाया करते थे, यरूशलेम, बेतलहम, गेसमनी बाग, जैतून पहाड़, एक एक जगह को देखते समय हम लोग गदगद होते थे, अधिकतर लोग रो पड़ते थे। हर जगह पर विशेष प्रार्थना की जाती थी, हर जगह पर हम अपने परिवारों के लिए और हमारे हितकारियों के लिए प्रार्थना किया करते थे। मेरे प्रिय मित्रों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि 2000 वर्ष के बाद भी प्रभु से जुड़े हुए उन स्थानों को प्रभु ने आज तक सुरक्षित रखा है। हमने उन सारी जगहों पर बहुत अभिषेक अनुभव किया और मैं इस समय आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सारे पवित्र स्थानों से जुड़ा हुआ अभिषेक आपको मिले। कि आपने कभी ख्याल किया है कि हमारा ये संसार कितना तनावपूर्ण है? सर्वत्र तनाव है, लोगों में कितना तनाव है। रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, कहीं आप चल रहे हैं, किसी को आपने छू क्यों ना दिए, गुस्से से भड़क जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। कभी कभी हम लोग हंस पड़ते हैं, कितनी छोटी बात के लिए लोग लड़ते हैं आपस में, क्योंकि सभी तनावपूर्ण हैं, सभी घायल हैं। हम एक घायल संसार में जीते हैं, परिवार घायल है, लोग घायल हैं। जब हमारे शरीर पर कोई चोट रहती है, अपने ख्याल किया है, उसको बचाने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं। भीड़ में से आपको गुजरना होता है तो आप बहुत ज़्यादा ही डर डर कर चलते हैं। ठीक इसी तरह हम हर मनुष्य की परिस्थिति है, लोगों के हृदय घायल हैं, इसलिए वे एक दूसरे से डरते हैं। हम क्यों घायल हैं? वचन में बताता है इसयास नबी का ग्रंथ अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, ये रमेश नबी के ग्रंथ की अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ईश्वर के हृदय में आप और मेरे लिए एक योजना है, एक सुनहरे भविष्य की योजना है, आशामय भविष्य की योजना है। ईश्वर के हृदय में हमारे लिए विचार हैं, अच्छे विचार हैं। ईश्वर ने हमारे लिए मार्ग तय किया है। इसयास नबी के ग्रंथ की अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हर मनुष्य अपनी अपनी राह पकड़कर भटक रहा है। जैसे एक भेड़ खो जाए तो भेड़ की क्या परिस्थिति होगी, क्या दशा होगी? वो घायल की जाएगी, कांटों में चली जाएगी, पता नहीं कहां कहां चली जाएगी। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी है, हम भी प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, इसलिए हमें कई प्रकार की चोटें खानी पड़ती है। इसयास नबी के ग्रंथ की अध्याय 48 वाक्य 18 में आपने बार बार इस वचन को सुना है, वहां पर प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए तुम परेशान हो, तुम दुखी हो। यरमेश नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 23 में लिखा है,
यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। नबी बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में बहुत जबरदस्त वचन है, वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। तो हमने प्रभु के मार्ग को नहीं अपनाया, हम अपने अपनी राह पकड़कर भटक गए, इसलिए हम परेशान हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की विफलताएं हैं, हम जैसे चाहते हैं वैसे होता नहीं है, हम जैसे उम्मीद रखते हैं वैसे पूरा नहीं होता है।